नेताओं को आप मारना चाहते हैं, कांग्रेस की हत्या करना चाहते हैं, कांग्रेस मरती नहीं है। जितना कांग्रेस पर जुल्म होगा, बीजेपी टकराव खड़ा करेगी, आप ये मानकर चलना, उतना कांग्रेस ताकत के साथ आएगी। कांग्रेस का हर MLA, हर कार्यकर्ता लड़ने और मरने के लिए तैयार है। लेकिन देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और किसानों पर जो जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। केंद्र में बीजेपी की सरकार फेल हो गई। आप कांग्रेस के नेताओं को इसलिए तोड़ के ले जाना चाहते हैं क्योंकि आपके पास कैंडिडेट नहीं है। आप जिन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा लोकसभा का, आज के 10 वर्ष पहले, आप उन मुद्दों पर फेल हो गए। आपने गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी पर चुनाव लड़ा, आपने कहा नोटबंदी के बाद पूरे देश के हालात सुधर जाएंगे, तो देश के हालात तो सुधरे नहीं। देश के हालात तो वैसे के वैसे हैं, गरीब आज भी गरीब है, भूख से और गरीबी से, बेरोजगारी से। हर एक घंटे में 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये जो हालात बिगड़े हैं, इन्हें हालात बिगड़ने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। और राजस्थान में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के खाते बंद कर दिए, राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की साजिश कर रहे हैं, पूरे देश में कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं। तो असली बीजेपी तो खत्म हो गई है। अब बीजेपी का झूठ, फरेब और धोखा नहीं चलेगा। और बीजेपी जो डराने की कोशिश कर, बीजेपी सुन ले, राजस्थान में जबरदस्त भ्रष्टाचार है, केंद्र में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। जिस बीजेपी ने सिर्फ लूट खसोट का काम किया, वो भगवान राम के रास्ते पर नहीं चलती। यहाँ सारे राम भक्त हैं। आप तो हिंदू को मुसलमान से डराते हो, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर वोट लेना चाहते हो। पूरा देश आपकी साजिश समझ गया। और सुन लेना, बीजेपी का जुल्म यदि बंद नहीं हुआ, आर पार की लड़ाई होगी और बीजेपी को परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप समझ नहीं रहे, बीजेपी जो कांग्रेस बीजेपी का नेता मौके की नजाकत से डर जाता है। डेमोक्रेसी में विपरीत परिस्थितियां आती है, लेकिन हर रात के बाद उजाला होता है। जो रात के अंधेरों से लड़ते हैं, उनको उजाले नसीब होते हैं। इसलिए रात के अंधेरों में हम चाहे मर जाएं, लेकिन ये सुन लेना, बीजेपी के जुल्म से डरेंगे नहीं। हम जानते हैं कि आज जनता हमारा साथ नहीं दिया विधानसभा चुनाव में, लेकिन हमारा काम बोल रहा है। हमारी कांग्रेस की गहलोत सरकार के काम के दम पर राजस्थान में सरकार चल रही है और देश में भी हमारे काम को, हमारे मुद्दों को। और आप बात कर रहे हो, आप महात्मा गांधी का नाम लेना नहीं चाहते, आप देश में डेमोक्रेसी की बात करना नहीं चाहते, आप दादागिरी करना चाहते हो, तो आप बीजेपी की दादागिरी नहीं चलेगी। मुकाबला होगा और मुकाबले में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। सीनियर नेता छोड़ रहे हैं, लेकिन आपके वरिष्ठ नेता कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं फर्क, एक बात बताइए, आप कांग्रेस के अध्यक्ष से जब मिलने जाओगे और जब लोग छोड़कर जाएंगे, तो उनको भी तैयार रहना चाहिए। जब आप सत्ता में केंद्रीय मंत्री बनते हो, मिनिस्टर बनते हो, आपको कांग्रेस पार्टी मौका देती है पार्लियामेंट लड़ने का, MLA बनने का, और जिस दिन कांग्रेस को और देश को जरूरत हो, उस दिन आप घबरा कर चले जाओगे, तो डर के लिए जगह नहीं है। जिंदगी और मौत हमेशा साथ साथ चलती है। जो मौत तो सबको मिलेगी, लेकिन डर कर नहीं। कांग्रेस का नाम डर नहीं है, कांग्रेस का नाम आप मानकर चलना निडरता है। इंदिरा जी मारी गई गोलियां लगी, राजीव जी की हत्या हो गई, क्या कांग्रेस डर गई? कांग्रेस डरती नहीं है, कांग्रेस लड़ती है और हर बलिदान के लिए तैयार रहती है।